हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा SBI PO 2019 का जो पेपर हुआ है 8 जून 2019 को। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भेजे हैं SBI PO प्री एग्ज़ाम के इंग्लिश सेक्शन के, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा और इनकी मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी सरल क्वेश्चंस इस बार पूछे जा रहे हैं और मेंस में भी मुझे लगता है कि लेवल थोड़ा कम ही रहेगा, एक रीजनेबल लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, एक ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं और फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर काफ़ी काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चंस भी मैं कराता हूँ, लेकिन ये तो एकदम सरल लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से देखते हैं इसको। द प्लास्टिक बैन इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्यूनिसिपालिटी हैज़ बीन अ टोटल फेलियर एज। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअली इस हैज़ बीन के साथ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हैज़ बीन को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको ग्रामर बताऊंगा। देखिए, द प्लास्टिक बैन की इसमें बात हो रही है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। प्लास्टिक बैन इंट्रोड्यूस्ड बाय, प्लास्टिक बैन विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं आप। द प्लास्टिक बैन इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्यूनसिपालिटी, प्लास्टिक बैन म्यूनसिपालिटी इंट्रोड्यूस करती है। हैज़ बीन अ टोटल फेलियर, देखिए हैज़ बीन अ टोटल फेलियर का मतलब ये है कि जब से ये इंट्रोड्यूस किया गया है तब से लेके अब तक ये टोटल फेलियर रहा है। हैज़ बीन के बाद यहाँ पर एक नाउन का प्रयोग हमने किया है, जैसे ही हैज़ बीन अ मैनेजर, ही हैज़ बीन इंटेलिजेंट, ही हैज़ बीन सक्सेसफुल। वो अब तक ऐसा रहा है, वो अब तक सक्सेसफुल रहा है, वो अब तक फेलियर रहा है। ठीक है, तो हैज़ बीन के साथ जब हम नाउन लगाते हैं, अ टोटल फेलियर यहाँ पर एक नाउन है, तो हैज़ बीन के साथ जब हम नाउन लगाते हैं तो उसका मतलब ये निकलता है कि शुरू से लेके इस समय तक, जिस समय की बात हो रही है, ठीक है, उस समय तक ऐसा हुआ है या ऐसा रहा है। जैसे यदि मैं बोलूँ कि हैज़ बीन अ वेरी काइंड पर्सन, ही हैज़ बीन अ वेरी काइंड पर्सन, ही हैज़ बीन वेरी रेगुलर इन द क्लास, वह क्लास में वेरी रेगुलर रहा है, वो शुरू से लेके अभी तक काइंड रहा है। ठीक है, तो हैज़ बीन का मतलब है कि वहां से लेके एक पर्टिकुलर सिचुएशन तक वैसा होता रहा है। तो प्लास्टिक बैन इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्यूनिसिपालिटी, प्लास्टिक बैन जिसको म्यूनिसिपालिटी ने इंट्रोड्यूस किया हैज़ बीन अ टोटल फेलियर, वो अब तक ये क्या रहा है, एक टोटल फेलियर रहा है। इसके बाद लिखा है एज, तो एज का मतलब है यहाँ पर बिकॉज के सेंस में इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हमने इसने नहीं लगाया, क्योंकि ये रीजन जो है, ये जो रीज़न है, मतलब पॉलीबैग्स में, पॉलीबैग्स के यूजेस में जो रिडक्शन है वो नहीं हुआ है, इसलिए हमने, मतलब जो रीज़न है वो सभी लोगों को पता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए बिकॉज के स्थान पर हमने यहाँ पर एज लगाया। एज देयर हैज़ बीन नो रिड्यूसिंग इन द यूसेज ऑफ पॉलीबैग्स, क्योंकि पॉलीबैग के यूसेज में, पॉलीबैग के यूज़ करने में, जैसे जैसे जो शॉपकीपर्स होते हैं या हम लोग दुकान जाके सामान लाते हैं पॉलीबैग्स में, लेकिन उसकी कमी में, उसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है, इसलिए प्लास्टिक बैन जो म्यूनसिपालिटी ने लगाया है वो पूरी तरीके से फेलियर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ रिडक्शन तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी देखिए, देयर हैज बी नो, अब नो के बाद हम क्या लगाते हैं, नो के बाद आई हैव नो पेन, आई हैव नो बुक, आई हैव नो फ्रेंड, तो नो के बाद हम नाउन लगाते हैं, अगर यदि आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, तो रिड्यूसिंग नाउन नहीं है। ठीक है, रिड्यूसिंग नाउन नहीं है, हालांकि जेरेंड फॉर्म में इसका नाउन फॉर्म में यूज किया जा सकता है, लेकिन सही जो नाउन होगी वो होगी देयर हैज बी नो रिडक्शन इन द यूसेस ऑफ पॉलीबैग्स, क्योंकि पॉलीबैग्स में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, कोई कमी नहीं हुई है, तो इसलिए यहां पर सेकेंड इसमें सही आंसर होगा, रिडक्शन यहां पर नाउन की तरह यूज होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली एग्जामिनर चेक करने की कोशिश कर रहा है कि सेंटेंस का जो पैटर्न होता है, सेंटेंस जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, हैज़ बीन का क्या यूज़ होता है, हैव बीन का क्या यूज़ होता है, तो ये है। तो यहाँ पर भी देखिए, हैज़ बीन के बाद, यहाँ बीन के बाद हमने नाउन लगाया है, ये फेलियर की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हमने नो के बाद हम नाउन लगाएंगे। यहाँ पर रिड्यूसिंग जो जेरेंड फॉर्म है वो नाउन की तरह यूज़ हो सकता है, लेकिन उसके कुछ अलग रूल्स हैं। ठीक है, वो इस तरीके से यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर तो हमें रिडक्शन ही लगाना होगा। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा सेकेंड, हैज बीन नो रिडक्शन, देर हैज बीन नो रिडक्शन, तो ये इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, एज पर द डायरेक्टिव्स द रिटेल प्राइसेस ऑफ बोथ पेट्रोल एंड डीजल इज रिवाइजिंग ऑन ए डेली बेसिस।
देखिए डायरेक्टिव्स का क्या मतलब है, गवर्नमेंट कुछ डायरेक्टिव्स देती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कि ये ठीक है आगे से हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करेंगे। तो एज पर द डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स का मतलब होता है कि अभी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए और आगे उसको अप्लाई करना है। तो एज पर द डायरेक्टिव्स द रिटेल प्राइसेस ऑफ बोथ पेट्रोल एंड डीजल रिवाइजिंग ऑन ए डेली बेसिस, क्या मतलब है इसका? देखिए यहां पर जो डेली प्राइसेस होते हैं पेट्रोल के और डीजल के, उनको रिवाइज किया जाता है। वो अपने आप रिवाइज नहीं होते, उनको गवर्नमेंट रिवाइज करती है। उनको रिवाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको रिवाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर एक एजेंट लगा हुआ है, ठीक है, एजेंट लगा हुआ है। इसका मतलब इसको पैसिव वॉइस में आपको यूज करना पड़ेगा। तो डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस रिवाइज नहीं करती किसी को, इनको रिवाइज किया जाता है किसी के द्वारा। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस में बोलेंगे इसमें विल बी रिवाइज्ड, इनको रिवाइज किया जाएगा डेली बेसिस पर गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। अब विल बी में दोनों ही आ जाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही इसमें आ जाते हैं विल बी में। तो विल बी के साथ हम थर्ड फॉर्म इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको रिवाइज किया जाता है किसी एजेंट के द्वारा। वो एजेंट जो है वो है आपका गवर्नमेंट, ठीक है। और ऐसे डायरेक्टर, ऐसे डायरेक्टिव्स आए हैं, ऐसे निर्देश आए हैं जिन निर्देश में ये कहा गया है कि पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस को रिवाइज किया जाएगा। किस बेसिस पर? डेली बेसिस पर, विल बी रिवाइज। तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। तो काफ़ी सरल ये क्वेश्चन है यदि बैंक पीओ के हिसाब से देखा जाए तो। वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। उनके आने से पहले हम सारी चीज़ों को रेडी कर चुके थे। एक तो इंसिडेंट है उनके आने का और एक इंसिडेंट है उनके उनके आने से पहले जो हो चुका था, ठीक है। तो डेफिनेटली सेंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हम वी हैड गॉट ही लगाएंगे। वी हैड गॉट मीन्स वी हैड कंप्लीटेड, वी हैड कंप्लीटेड और वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी। थोड़ा सा इसको कन्फ्यूज कर दिया गया है लेकिन फिर भी इसमें हैड गॉट ही सही होगा। वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम, हमने उनके लिए सारी चीज़ें रेडी करके रखी थी उनके आने से पहले। तो ए इसमें सही आंसर होगा। बिफोर और आफ्टर का प्रयोग हम परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से ये यहाँ पर फर्स्ट इसका आंसर सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव सम फार्म इक्विपमेंट दैट हैजंट बीन यूज्ड। देखिए हैजंट का मैंने अभी आपको बताया था, हैज़ बीन का मैंने आपको बताया था, हैज़ बीन अ फेलियर, हैव बीन अ फेलियर। लेकिन हैजंट के साथ जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं। इक्विपमेंट जो कि अनकाउंटेबल होता है तो इसके साथ हम हैजंट लगा सकते हैं। हैजंट बीन यूज्ड, हैजंट बीन यूज्ड का मतलब होता है कि पैसिव वॉइस है, इसको यूज नहीं किया गया है। कब से? सिंस माई ग्रैंड फादर डाइड, जब से मेरे ग्रैंड फादर की डेथ हुई है, जब से मेरे ग्रैंड फादर मरे हैं, तब से वी हैव सेम फार्म इक्विपमेंट दैट हैजंट बीन, वी हैव सम फार्म इक्विपमेंट दैट हैजंट बीन यूज्ड, ठीक है। मेरे ग्रैंडफादर की डेथ के बाद से कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनको यूज नहीं किया गया है। नहीं किया गया है किसके द्वारा? हमारे द्वारा। हम क्या हैं? इसमें एक एजेंट हैं। तो इसमें एक एजेंट इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। और पैसिव वॉइस में ही ये लिखा है, हैजंट इसलिए सही है क्योंकि क्योंकि इक्विपमेंट जो है ये अनकाउंटेबल है। जैसे इन्फॉर्मेशन होता है वो अनकाउंटेबल है, सीनरी अनकाउंटेबल है, पोइट्री अनकाउंटेबल है, ठीक है। इसी तरीके से इक्विपमेंट है दैट हैजंट बीन यूज्ड सिंस माय ग्रैंडफादर डाइड। तो सिंस के बाद का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को बताने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। पास्ट में कोई भी इंसिडेंट हुआ है जिसको हम सिंस के बाद लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में लिखते हैं। या ऐसा मान सकते हैं कि सिंस से पहले आप परफेक्ट टेंस लगाते हैं, सिंस के बाद आप पास्ट सिंपल टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये सेंटेंस सही है। यहां पर हम देखते हैं एवरी ऑफिसर एंड एवरी रेसिडेंट ऑफ दिस विलेज इज डिटरमिन्ड टू डू देयर बेस्ट। देखिए एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, देखिए इसमें एक की साउंड आ रही है, प्रत्येक मतलब एक, यानी एवरी अपने साथ जो नाउन लेता है यहां पर और वो लेता है सिंगुलर। एवरी रेसिडेंट सही है, एवरी ऑफिसर सही है, लेकिन यहां पर ये देयर फिर क्यों आएगा? यदि हम एक की बात कर रहे हैं, एक बार में हम एक व्यक्ति को ही ले रहे हैं, तो फिर हम देयर नहीं लगाएंगे।
ये जो प्रोनाउन का जो है पजेसिव केस ये गलत है, या तो हम हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे, क्योंकि जो प्रत्येक है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, जो प्रत्येक है वो मेल हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन हम मेल को यहाँ पर प्रेफर करते हैं ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम हिज बेस्ट लगाएंगे क्योंकि एक बार में हम एक ही व्यक्ति को ले रहे हैं, तो इसमें इट्स नहीं आएगा, देयर भी नहीं आएगा, इसमें आएगा टू डू हिज बेस्ट। ठीक है, थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये क्वेश्चन फिलस के हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन पॉजिटिव स्टेप्स टू द एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए कई तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन पॉजिटिव स्टेप्स टू। अब टू के बाद क्या आएगा यहां पर, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसमें सही कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी, रीवैम्प होगी। रीवैम्प का मतलब किसी चीज को फिर से बनाना, इंप्रूव करना, एनहेंस करना। जैसे रीवैम्प जो वर्ड है ये, इसको आपको जब आप मोबाइल के क्षेत्र में भी ये यूज होता है, रीवैम्प्ड वर्जन या रीवैम्प कर देते हैं उसको, थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं उसको उसको। तो जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वहां पर ये वर्ड यूज होता है, ये मोबाइल के जो बॉक्सेस होते हैं उस पर भी ये वर्ड यूज होता है, लिखा रहता है वहां पर रीवैम्प्ड। ठीक है, तो यहां पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और रीवैम्प जो है ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही है। इंक्रीज तो हम करेंगे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन पॉजिटिव स्टेप्स टू इंक्रीज द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज वर्ड बिल्कुल गलत होगा। रिवाइज में फर्स्ट फॉर्म नहीं है, रिनोवेटेड फर्स्ट फॉर्म नहीं है। डिस्पेल मतलब किसी चीज़ को हटाना, इग्नोर करना या उसको उसको डिसअप्रूव करना, डिस्पेल भी नहीं आएगा। तो रीवैम्प यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट सेक्टर्स। देखिए यहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम क्या है, सेक्टर्स हैं। ठीक है, सेक्टर्स क्या है, नाउन है। सेक्टर मतलब एक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वो सेक्टर क्या है, यहां पर नाउन है। तो नाउन को हम मॉडिफाई किससे करते हैं, एडजेक्टिव से। तो यहां पर आपको एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यदि देखें तो बेनिफिट एडजेक्टिव नहीं है, बेनिफिशियल एडजेक्टिव है। ठीक है, बेनिफिट का मतलब था लाभ या फायदा, यानी ये नाउन है। नेसेसिटी नाउन है, जरूरत। ल्यूक्रेटिव एडजेक्टिव है, डेकोरेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन डेकोरेटिव सेक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो डेकोरेटिव सेक्टर है, कोई सेंस नहीं है इसका। और इम्पोर्टेंट सेक्टर, इम्पोर्टेंट होता तो एक बार ये सही भी हो सकता था, लेकिन ये है इम्पोर्टेंस, यानी नाउन है ये। तो एडजेक्टिव जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी सही है वो है ल्यूक्रेटिव या प्रॉफिटेबल। तो ल्यूक्रेटिव एडजेक्टिव भी है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी सही है, तो ल्यूक्रेटिव यहां पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शी इज एन अवेयर सिटीजन हु हैज ऑलवेज, हैज आया है यहां पर, वो एक अवेयर सिटीजन है जिसने हमेशा किया है, हु हैज ऑलवेज। तो यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें से केवल विस्ट है, हु हैज ऑलवेज विस्ट टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा विस्ट। बाकी में सभी में अलग अलग फॉर्म्स दी हुई हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और विस्ट विस्ट सॉरी विस्ट से यहां पर सही आंसर आपका होगा, क्योंकि विस्ट यहां पर थर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन द बिगिनिंग आई लुक्ड एंड आई कुड नॉट फाइंड द कार आई ड्रीम्ड ऑफ। देखिए मैं पहले मैंने देखा, पहले शुरुआत में मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैं आखिरी में से बता देता हूं, आई कुड नॉट फाइंड द कार आई ड्रीम्ड ऑफ, मतलब मुझे वो कार नहीं मिल सकी जिसकी जिसका मैंने सपना देखा था। मुझे वो कार नहीं मिल सकी, इसका मतलब कोई व्यक्ति वहां पर कार को सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, आसपास देख रहा है। तो आसपास देखने के लिए जो सही वर्ड होगा यहां पर लुक के बाद, जो सही एडवर्ब होगा वो होगा लुक्ड अराउंड, क्योंकि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर, जो कि सेंसलेस होगा यहां पर। लुक अबव ऊपर देखना, लुक आउट मतलब किसी लुकआउट, लुकआउट के थ्रू हम किसी किसी व्यक्ति को वार्न करते हैं, लुकआउट ही इज कमिंग, लुकआउट ट्रेन इज कमिंग। ठीक है, लुकआउट के थ्रू हम वार्न करते हैं। लुक डाउन का मतलब नीचे देखना, या लुक डाउन अपॉन भी होता है जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को हकारत या नफरत की नज़र से देखना। तो इन द बिगिनिंग आई लुक्ड अराउंड, अराउंड यहाँ पर आपका एकदम सही इसमें एडवर्ब होगा। ठीक है, आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। द आरबीआई हैज प्लेड कंजर्वेटिव इन रेट कट ऑफ जस्ट 25 बेसिस पॉइंट।
देखिए आरबीआई हैज प्लेड कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव देखिए, कंजर्वेटिव का मतलब है कि एकदम नॉर्मल, एकदम मॉडरेट, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं. कंजर्वेटिव का मतलब बैलेंस्ड भी आप मान सकते हैं. और कंजर्वेटिव का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? एग्रेसिव. एक है कंजर्वेटिव और एक है एग्रेसिव. कंजर्वेटिव मतलब ठीक ठाक, एग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा. तो आरबीआई हैज़ प्लेड कंजर्वेटिव इन, देखिए रेट कट जो होता है, रेपो रेट वगैरह में जो चेंजेज होते हैं उसको आरबीआई क्या करती है? अनाउंस करती है. इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पर चूंकि प्रपोजिशन लगा हुआ है इन, तो इनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे. तो कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर, यदि ये दो चीज़ें देखी जाएँ तो इसके हिसाब से अनाउंसिंग सही है, क्योंकि इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है. तो आईएनजी फॉर्म भी सही है, और आरबीआई अनाउंसमेंट करती है रेपो रेट्स का. और रेपो रेट में जो चेंजेज होते हैं, डिक्रीज या इंक्रीज, वो बेसिस पॉइंट के हिसाब से होते हैं. ठीक है, तो 25 बेसिस पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है? जस्ट लिखा हुआ है. जस्ट का मतलब है कि कंजर्वेटिव अप्रोच इसने अपनाई है. तो जस्ट और कंजर्वेटिव यहाँ पर लिंक हो रहे हैं आपस में, एक एक की पॉइंट्स हैं. ठीक है, अनाउंसिंग यहाँ पर आपका सही आंसर होगा. ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, और कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस में जैसे यहाँ पर ये है कॉलम वन और ये है कॉलम टू, और इसमें ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, ये एक लाइन यहाँ पर मैंने खींच दी है, ये है कॉलम ए और ये है कॉलम बी. ठीक है, तो इनमें से आपको मिक्स एंड मैच करके सेंटेंसेस को बनाना है. तो यहाँ पर हम इसका एक्चुअली सही तरीका ये होता है कि डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू पहले ऑप्शंस को पढ़ना, फिर ऑप्शंस के थ्रू उनको मैच करना. तो इसको हम पढ़ लेते हैं. पहले ए एफ लिखा है, ए एफ देखते हैं. द र्यूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज, ए एफ द की नहीं, ए एफ नहीं बन रहा. बी सी देखते हैं, द बॉडी ऑफ कैमरा मेक्स इट, नहीं बन रहा. ए ई देखते हैं, द र्यूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज टर्न आउट टू बी फॉल्स, ये सही है. बी डी देखते हैं, द बॉडी ऑफ कैमरा मेक्स इट हाईली रेजिस्टेंट फॉर आउटडोर यूज, ये भी सही है. तो इसमें ए ई और बी डी जो सेंटेंसेज हैं ये सही बन रहे हैं. देखिए इसका मतलब क्या है? द र्यूमर ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज टर्न आउट टू बी फॉल्स. टर्न आउट का मतलब होता है कि सिद्ध होना, प्रूव होना, प्रूव टू बी. मतलब पेट्रोल शॉर्टेज की जो अफवाहें थी, जो र्यूमर्स थे, वो बाद में प्रूव हुए. कैसे प्रूव हुए? फॉल्स प्रूव हुए. दे टर्न आउट टू बी फॉल्स का मतलब होता है दे प्रूव टू बी फॉल्स. तो ए ई यहाँ पर सही आंसर है. और बी डी देखते हैं, द बॉडी ऑफ कैमरा, कैमरे की जो बॉडी होती है वो मेक्स इट हाईली रजिस्टेंट, वो इसको कैसा बना देती है? हाईली रजिस्टेंट बना देती है. किस लिए? फॉर आउटडोर यूज. यानी बी डी का भी सही सेंस निकल रहा है और ए ई का भी सही सेंस इसमें निकल रहा है. कभी कभी ये तीन कॉम्बिनेशन भी दिए रहते हैं यहाँ पर, जैसे ये दो दिए हैं तो कभी कभी एक रहता है, कभी कभी दो, कभी कभी तीन रहते हैं. तो ये तो सिंपल लेवल के हैं, लेकिन हो सकता है मेंस का आपका जो पेपर हो, एसबीआईपीओ मेंस का, उसमें थोड़े से टफ पूछे जाएं. ठीक है, तो ए ई एंड बी डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा. एक क्वेश्चन हम और देखते हैं यहाँ पर, सी एफ. चलिए पहले इसी को देखते हैं. एज द रेन वाटर बिगेन टू कलेक्ट इन पूल्स ऑन हाईवे, रेन वाटर के लिए, देखिए रेन वाटर को हम इससे मिला सकते हैं, वन ऑफ द से जुड़ेगा नहीं, इससे जुड़ेगा नहीं, इससे जुड़ जाएगा. ए एफ डेफिनेटली जुड़ जाएगा. एज द रेन वाटर बिगेन, एक्चुअली यहाँ पर बिगेन है, ये बिगेन है. एज द रेन वाटर बिगेन टू कलेक्ट इन द पूल्स ऑन द हाईवे, इट बिगेन टू हैम्पर द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक. मतलब जैसे जैसे जो रेन वाटर था, बारिश का जो पानी था, वो हाईवे पर जो गड्ढे रहते हैं, जो पूल्स रहते हैं, उनमें वो इकट्ठा होता गया, वैसे उसने क्या किया? उसने हैम्पर किया. किस चीज़ को हैम्पर किया? जो ट्रैफिक का जो फ्लो था, जो ट्रैफिक, जो गाड़ियाँ चल रही थी वहाँ पर, उसकी इसमें बात हो रही है. ठीक है, तो एक्चुअली ये जो इट आया है यहाँ पर, ये इट आया है, ये रेन वाटर के लिए आया है. रेन वाटर सिंगुलर है, तो इसलिए ए एफ इसमें सही कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए एफ. और इसमें ऑप्शन में ए एफ दिया है. ठीक है, तो ए एफ के अलावा बाकी ऑप्शन की आपको देखने को जरूरत नहीं है. जब आपको आंसर ही मिल गया है तो बाकी के ऑप्शन को देखने की आपको जरूरत नहीं है. थर्ड इसमें आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये ट्रेडिशनल जो स्पॉटिंग रेट के क्वेश्चंस हैं, जैसे आते थे पहले 2-3 साल पहले. आजकल तो काफ़ी नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछते हैं, पर्टिकुलरली मेन्स एग्जाम में. लेकिन ये काफ़ी सरल पूछा गया है इस बार, काफ़ी सरल पेपर आया है. पीपल हैव, पीपल के साथ हैव सही है क्योंकि पीपल प्लूरल है. हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच,
बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, ईच एक्चुअली ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी ये सिंगुलर नाउन लेता है अपने साथ, ईच ऑफ देम, यहां पर ये गलती हैज टू रिमेंबर, यहां पर भी फ्रेज आएगा हिज फंडामेंटल ड्यूटीज, तो डी पार्ट इसका गलत है, ठीक है, ईच और एवरी अपने साथ सिंगुलर नाउन लेते हैं, तो यहां पर हैज टू होगा, यानी डी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपीटिंग इन द इवेंट। देखिए, एक होता है ए नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है कई सारे, द नंबर ऑफ जब हम बोलते हैं तो हम संख्या की बात कर रहे हैं, और संख्या जो होती है वो होती है सिंगुलर। अब जैसे यहां पर देखिए, हम द नंबर ऑफ बोल रहे हैं तो हम इसमें हैव भी नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे हैज बीन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट कंपीटिंग इन द इवेंट, कंपीटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि स्टूडेंट के लिए आया है, स्टूडेंट्स की संख्या जो इवेंट में कंपीट कर रही है, ये कंपीटिंग जो है किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर सिंगुलर है तो इसलिए यहां पर हम हैज बीन लगाएंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपीटिंग इन द इवेंट हैज बीन फॉलन, नहीं हैज फॉलन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हैज बीन फॉलन जो होता है वो पैसिव वॉइस होता हैज प्लस V3 एक्टिव वॉइस होता हैज बीन, हैव बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस होता है। हम एक्टिव वॉइस क्यों लगाएंगे इसमें, पैसिव वॉइस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब होता है, देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। तो यदि मैं इसको पैसिव वॉइस में लिखूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कंपीटिंग इन द इवेंट हैज बीन फॉलन, कि स्टूडेंट की संख्या को गिरा दिया गया है। पैसिव वॉइस में इसका यह मतलब निकलेगा कि स्टूडेंट की संख्या को गिरा दिया गया है, जबकि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की संख्या जो है वो गिर गई है, कम हो गई है। तो एक्टिव वॉइस में इसलिए इसको आप बोलेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपीटिंग इन द इवेंट हैज फॉलन, इट हैज फॉलन, ठीक हैज बीन फॉलन के स्थान पर हम हैज फॉलन बोलेंगे, यानी सी इसमें सही आंसर आपका होगा। आई थिंक आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाइल्ड ही यूज टू वॉक अलॉन्ग द रोड, अ वाइल्ड एंड फेरोसियस डॉग नॉक्ड हिम डाइन डाउन। इसमें क्या, देखिए यूज टू का इसमें हमने यूज किया है, यूज टू का मतलब तो पास्ट हैबिट के लिए इसमें यूज होता है। तो यहां पर देखिए कई तरीके से मैं इसको समझा सकता हूं। देखिए नॉक्ड हिम डाउन, पास्ट सिंपल टेंस है ये, नॉक्ड हिम डाउन, ठीक है। और एक जगह एक इसमें लिखा है वाइल, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को मिक्स किया गया है। नॉर्मली पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के थ्रू हम सही सेंटेंस बना सकते हैं। इसके थ्रू हम ये बताते हैं कि जब एक घटना हो रही थी, ठीक है, जब एक एक्शन हो रहा था तो उसके बीच में यहां पर कोई एक्शन हुआ, तो जब एक घटना हो रही थी तो ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एक घटना हो रही थी, चल रहा था, कुछ हो रहा था, और जब वो घटना चल रही थी तो उसके बीच में फिर एक घटना और हुई, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को नॉर्मली हम मिक्स करके सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस तो ये है, इसमें नॉक्ड हिम डाउन, एक एक फेरोसियस डॉग ने उसको उनको उसको गिरा दिया, लेकिन कब गिराया, जब कोई घटना चल रही थी, जब उसके बीच में गिराया है, तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे वाइल्ड ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, अ वाइल्ड फेरोसियस डॉग, ऐसे बोलेंगे हम इसको। तो वाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, जब वो रोड के किनारे किनारे चल रहा था। अलोंग का मतलब क्या होता है, देखिए अलोंग का मतलब होता है जैसे ये रोड है तो इस रोड के बगल में यहां पर चलना, ये होता है अलोंग। अक्रॉस का मतलब ऐसे जाना, ये होता है अक्रॉस, ठीक है। तो यहां पर ए पार्ट गलत है, वाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, ए पार्ट इसका डेफिनेटली गलत है, तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अनन्या इज इवन विलिंग टू मेक मैक्सिको वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, सही है, यहां पर वन ऑफ द के बाद कंट्रीज आएगा, टू टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें डी पार्ट आपका गलत हो जाएगा, डी पार्ट इसमें आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देयर वर नो सरप्राइजेस इन द सेकेंड बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देयर वर नो सरप्राइजेस, कोई भी सरप्राइजेस नहीं थे, किसमें, सेकेंड बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट। एक एक मॉडिफाइड नाउन है, इसमें काफी सारे वर्ड्स को
एक नाउन के लिए जो अनाउंसमेंट है, पॉलिसी अनाउंसमेंट जो है उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें लगा दिए गए हैं। सेकंड, बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट। पॉलिसी एक्चुअली यहाँ पर नाउन है, पॉलिसी सॉरी पॉलिसी इसमें नाउन है और पॉलिसी के लिए इसमें काफ़ी सारे एडजेक्टिव लगाए हैं जैसे सेकंड है, बाय मंथली है, मॉनिटरी है, तो एक ही नाउन को काफ़ी सारे एडजेक्टिव जो हैं ये क्वालिफाई यहाँ पर कर रहे हैं। अनाउंसमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा होता है तो बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें सही है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 17th में नो एरर है, यानी इसमें आपका आंसर होगा नो एरर। तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं और आगे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे उन क्वेश्चंस के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा और इनको आप देखें। इंग्लिश एडवांटेज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस पर मैं सारा टॉप क्लास कंटेंट डालता हूँ बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए, और मैं अनअकैडमी पर भी लाइव पढ़ाता हूँ। यदि अनअकैडमी पर आप मुझे लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, और वहाँ पर मेरा जो रेफरल कोड है वो ये है, बसंत सिंगल 2210। ये रेफरल कोड आप डाल के वहाँ पर 10% डिस्काउंट से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैं बैंकिंग के लिए एसएससी के पढ़ाता हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।